नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं नितेश गुप्ता। इस समय मौजूद हैं गोरखपुर से 12 किलोमीटर दूर यानी कुसमी के जंगल में मौजूद हैं। कुसमी जंगल में मौजूद हैं बुढ़िया माता का मंदिर। शारदीय नवरात्र चल रहा है और इस समय सभी श्रद्धालु जो हैं माता के मंदिरों पे दर्शन के लिए जा रहे हैं। लोग यहाँ पे काफी भीड़ देख रहे होंगे आप श्रद्धालुओं का, और आप देख सकते हैं कि इस समय मौजूद हैं बुढ़िया माता मंदिर पे, और यहाँ पे आप श्रद्धालुओं की भीड़ देख सकते हैं। लंबी कतार लगी है, हालांकि आज थोड़ा सा भीड़ कम है, और यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं श्रद्धालुओं का। आपको अगर मंदिर का इतिहास बताएं तो बताया जाता है कि यहाँ पे बहुत सालों पहले एक वृद्ध महिला थी। कुछ साल पहले यहाँ पे एक बारात आई थी, वृद्ध महिला जो थी बारात में जो नचनियाँ होती हैं उन लोगों से नाच गाना दिखाने को कहा, तो बारात वालों ने जो है उनका मजाक उड़ाया। एक जोकर था जो कि बारात में रुका, और बुढ़िया माता को जो है वो जो वृद्ध महिला थी उनको जो है अपना जो भी मनोरंजन करके दिखाया, और उस जोकर के मनोरंजन से बुढ़िया माता जो है वृद्ध महिला वो काफी खुश हुई, और उस जोकर से कहा कि 3 दिन बाद यानी जब भी इधर से वापस गुजरना तो यहाँ पे जो नाले का पुल है उसको पार मत करना, इन बारातियों को पार करने देना। और 3 दिन बाद जब बारात वापस लौटी तो आपको अगर हम अपने पीछे दिखाना चाहें, आप देखिए जो आपको नदी दिख रहा है एक ये नाला है, तुर्रा नाला, यहाँ पे एक लकड़ी का पुल बना हुआ करता था। तो कहा जाता है कि जब बुढ़िया माता ने ये कहा था, वो जो वृद्ध महिला थी, कि इस पुल को पार मत करना, और वो जोकर रुक गया, लेकिन जब पूरी बारात उस पुल से गुजर रही थी तो लकड़ी का पुल टूट गया और वो पूरी बारात जो है इसमें समा गई, यानी असमय काल के गाल में वो पूरी जो बारात थी वो समा गई और वो जोकर बच गया। तो कहीं ना कहीं जोकर को ये एहसास हुआ कि माता में शक्ति है, और तभी से जो है वो वृद्ध महिला अचानक से गायब हो गई, वहां से अदृश्य हो गई, और ये मान्यता है कि तभी से इस मंदिर को जो है यहाँ पे पूजा जाता है। एक मान्यता और भी है कि यहाँ पे एक लोग रहते थे जनजाति के, वहाँ पे ये लोग पिंडी का जो है पूजा करते थे, तो यहाँ पे उस नाम दिया गया बुढ़िया माता मंदिर, और उसी बुढ़िया माता मंदिर का यहाँ पे आज पूजा किया जाता है, और काफी मान्यता है आपको बता दें। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ है। शारदीय नवरात्र का दिन चल रहा है, और यहाँ पे हम अभी मंदिर के अंदर चलेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो महंत हैं उनसे बात करें और मंदिर की जो है मान्यताओं के बारे में पूछें। और सबसे खास बात बता दें कि दशकों से चले आ रहे इस मंदिर की मान्यता है, और यहाँ पे खास बात यह है कि यहाँ पे जो महंत है वो निषाद जाति के हैं, और हमारे साथ यहाँ पे देखिए 3 पीढ़ी से लगातार इस मंदिर के महंत जो है निषाद हैं, और यहाँ पे हमारे साथ कृष्णा कुमार निषाद जी हैं, इस मंदिर के महंत हैं बुढ़िया माता मंदिर के। हम इनसे जानेंगे कि शारदीय नवरात्र में जो यहाँ पे चल रहा है नवरात्र का दिन, यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, मंदिर की क्या मान्यताएं हैं और सबसे ज्यादा भीड़ क्या होती है, और क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार निषाद जी। कृष्ण कुमार निषाद जी, आप यहाँ के महंत हैं जी। अच्छा, काफी भीड़ रहती है, शारदीय नवरात्र चल रहा है, तो क्या मतलब साल के 12 महीने ऐसी भीड़ रहती है या ऐसे शारदीय नवरात्र में अलग माने? 12 महीने भीड़ नहीं रहती है, बस नवरात्र के 9 दिन जो होता है श्रद्धालुओं की कुछ ज्यादा भीड़ होती है। अच्छा, मंदिर का इतिहास क्या है, किस तरीके से लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करते हैं? मंदिर का इतिहास ये है, यहाँ इधर आ जाइए जी। सामने जो तालाब देख रहे हैं, हमारे पूर्वज बताते हैं कि वो कभी काठ का पुल हुआ करता था, तो जब माता जी आए बुढ़िया के रूप में तो एक बारात आ रही थी, तो माता जी उनसे बोली कि हमको नाच के दिखा दीजिए, तो बारातियों ने उनका मजाक उड़ाया और बारात में चले गए वापस। फिर जैसे सुबह बारात विदा होती है तो आ रहे थे सब, तो माता जी वहीं बैठी थी बुढ़िया के रूप में, तो उनसे बोली कि हमको नाच के दिखा दीजिए। उसमें जो जोकर था वो अपना कुछ नाच गाना किया, लेकिन वो सब फिर मजाक उड़ाए उनका और आगे जाने लगे। जैसे बीच में गए तो पुल टूट गया वही बीच में, और सब वहीं पे जल समाधि ले लिए। जिस वो जोकर बचा था वही ये घटना बताया था कि ऐसे ऐसी घटना हुई थी यहाँ पे। अच्छा, तभी से माता की मान्यता हो जी, तभी से बुढ़िया माता के रूप में प्रसिद्ध हो गई, ध्यान हो गई माता जी। उसके बाद से तो उसने जो बताया जोकर, तो उसी पर जो है ये। अच्छा, और भी बताया जाता है इतिहास मंदिर का कि यहाँ पे और भी अलग तरीके के जनजाति के लोग रहते थे, वो पिंडी यहाँ पे बैठा है, फिर माता जी का यहाँ पर 3 पिंडी है, मिट्टी की कच्ची मिट्टी की पिंडी है, लेकिन इस समय चुन्नी से ढकी हुई है, तो देखना मुश्किल है। इसमें यहाँ पर 3 पिंडी शक्तिपीठ है। कोई खास दिन बाबा जी यहाँ पे, जिस दिन यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं कोई मन्नते मांगते हैं और माता जी पूरी करती हैं? पूरी करती हैं। कोई खास दिन जैसे शादी नवरात्र में? हमेशा यहाँ पर आते हैं श्रद्धालु, मन्नत मांगते हैं, पूरा होता है। यहाँ पर चौखट जो है चांदी का सिक्का पूरा ठुकवाया गया है, वो मन्नत पूरा होता है तो लोग चांदी का सिक्का ठुकवाते हैं यहाँ पे।
चांदी का सिक्का जी। अच्छा, अभी शारदीय नवरात्र में लगभग लोग आ रहे हैं, लगभग कितने बजे मंदिर खुल जाता है? क्या 24 घंटे मंदिर इस समय 24 घंटे पूरे नवरात्र खुला रहता है? 24 घंटे हाँ जी। अच्छा, कितने लोग दिन भर में यहाँ पे दर्शन कर? हजारों की तादाद में लोग दर्शन करते हैं। कम से कम मान के चलिए, बहुत कम तो भी इस समय नवरात्र में तो लाखों की भीड़ होगी। लाखों की भीड़ होगी। अच्छा, आप लोग किस तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट करते हैं? क्या प्रशासन की तरफ से भी सहयोग मिलता है? प्रशासन की तरफ से एप्लीकेशन दिया जाता है, नवमी के कुछ दिन पहले एप्लीकेशन जाता है प्रशासन के पास, और उसके बाद वहाँ से वो आता है। कृष्णा जी, आप यहाँ पे कितने मतलब आपके ये तीसरी पीढ़ी, आप तीसरी पीढ़ी हैं, इससे पहले आपके पिताजी यहाँ के महंत हुआ करते थे, उससे पहले आपके दादाजी, क्या कुछ बदलाव देखे हैं मंदिर में? बदलाव तो कुछ नहीं है, सब वैसे ही है, बस यही है कि डेकोरेशन थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़ी चीजें बदलाव हुई है। अच्छा, क्या योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आए हैं दर्शन करने? योगी आदित्यनाथ का ही उम्र है कि ये रोड बन गया। अच्छा हाँ, ये तालाब की खुदाई उन्होंने करा करके इसका बंधा बनवा दिया। अभी देखिए वो पानी की टंकी लग गई, अभी देखिए वो धर्मशाला और शौचालय के लिए अलर्ट कर दिए हैं, फाउंडेशन की तैयारी हो रही। अच्छा, दो मंदिर बताई जाती है बुढ़िया माता की, ये नवीन मंदिर है और वो प्राचीन मंदिर है। ये नवीन मंदिर, प्राचीन मंदिर ही है ये। अच्छा, ये प्राचीन है, नवीन हमें तालाब पार करके जी जी जी, उसकी क्या मान्यता है? यही मान्यता है, सब जैसे जब पुल टूट गई तो श्रद्धालु उस समय उधर नहीं जा पाते, उधर किधर नहीं जा पाते, तो सुविधा के लिए वहाँ भी बनाया गया। अच्छा, यानी घनघोर जंगल था, घनघोर जंगल में जब ये पुल टूट गया तो फिर बाधित हो गया रास्ता, तो उधर के लोग उधर पूजा करने लगे, फिर इधर के लोग इधर पूजा करने लगे, इसके वजह से नदी के इस पार उस पार दोनों तरफ माता जी का वास हो गया, माता जी का पूजा दोनों पाठ में। यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, जो मन्नतें मांगते हैं पूरी होती है, पूरी होती है। माता जी को कुछ खास चाहता है क्या नवरात्र? ये तो आप अपने मनों की मनभावना है, नहीं कुछ खास जो जो माता जी को पसंद हो, जो चढ़ाते हो कुछ? यहाँ पे सफेद साड़ी चढ़ाते हैं, तो यहाँ पे हमारे साथ महंत जी थे, आपका क्या नाम पड़ेगा बाबा? हमारा रामाश्रय गुप्ता। रामाश्रय गुप्ता जी, तो ये हमारे साथ रामाश्रय गुप्ता जी थे और यहाँ के मंदिर थे कृष्णा निषाद जी। आपको बता दें कि कृष्णा निषाद जी लगातार तीन पीढ़ी से इन्हीं के लोग जो है यहाँ पे महंत रहे हैं। इससे पहले इनके पिताजी थे, अब वो फिलहाल नहीं है, स्वर्गवास हो गया उनका, इससे पहले उनके दादाजी थे। और यहाँ पे देखिए बुढ़िया माता का, हम यहाँ पे आपको प्राचीन मंदिर का यहाँ पे इतिहास बता रहे थे और यहाँ पे तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप अगर मंदिर के अंदर जाके दिखाएं, यहाँ पे पिंडी के दर्शन हम आपको अपने चैनल के जरिए कराएंगे, क्योंकि शारदीय नवरात्र चल रहा है और हमारी यही कोशिश रहती है कि घर बैठे आप माता के दर्शन करिए। और देखिए पिंडी दिखा सके तो प्लीज पिंडी दिखाइए। और यहाँ पे आप शारदीय नवरात्र चल रहा है और आप देखिए यहाँ पे बुढ़िया माता मंदिर में है इस समय, और किस तरीके से यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ है, लोग यहाँ पे दर्शन को के लिए आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये प्राचीन मंदिर है, बुढ़िया माता मंदिर दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड है, एक तालाब के उस पार जो है वो नवीन मंदिर है और ये प्राचीन मंदिर है। यानी यहाँ पे जो महंत जी थे हमें बता रहे थे कि जब उस समय पुल टूटा तो उधर की चीजें उधर रह गई और इधर की इधर, इसीलिए दो मंदिर में ये चीजें जो है विभाजित है। यहाँ पे दोनों जगह पे पुल पार करके उधर, यानी पुल माफ करिएगा, तालाब पार करके वहाँ पे नाव है, तालाब पार करके नाव से लोग उधर जाते हैं, नवीन जो मंदिर है बुढ़िया माई का वहाँ भी दर्शन करते हैं, और ये प्राचीन मंदिर है यहाँ भी दर्शन करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे बुढ़िया माई मंदिर की, और अगर हम यहाँ पे आपको आगे दिखाना चाहें तो आप देखिए यहाँ पे लोग परिक्रमा करते हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप किस तरीके से श्रद्धालु जो है अपनी मन्नतों को मांग रहे हैं। शारदीय नवरात्र चल रहा है, दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं, आसपास के ही लोग नहीं बल्कि देश विदेश और खासकर बिहार और नेपाल के ज्यादा लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने को। शारदीय नवरात्र चल रहा है और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे बुढ़िया माई स्थान की, उसमें जंगल स्थित है, जंगल के बीचों बीच यहाँ पे मौजूद है, और मान्यता ये है कि असमय काल के गाल में जो है अगर यहाँ पे मंदिर में दर्शन करते हैं तो असमय काल के गाल में जाने से आप बचते हैं, काफी मान्यता है। और आप देखिए यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, वहाँ पे महिलाओं की आप भीड़ देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए लोगों की अलग मान्यता है, यहाँ पे लोग जो है एक मुराद मांगते हैं और उसे एक आप देख रहे होंगे कि लोग बांध रहे हैं। हम यहाँ पे कुछ युवा हैं दर्शन करने आए हैं माता का, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अनु जगरारी। अनु जगरारी, यहाँ पे क्या बांध, कोई मन्नत मांग के आप लोग बांधते हैं? हाँ, मन्नत जैसे कोई भी अंदर का इच्छा हो या फिर कुछ माता जी को ऐसे चढ़ा देते हैं। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे करीब 5 साल से आ रहे हैं जी। 5 साल से आ रहे हैं। 5 साल से आ रहे हैं। बदलाव देखते हैं मंदिर, मतलब विकास हुआ है, विकास काफी विकास हुआ है, सफाई हुआ है काफी, और काफी रोड नवरात्र में ही आते हैं या फिर नवरात्र में ज्यादा भीड़ रहती है? जी जी।
यहाँ पे तमाम लोग हम देख रहे हैं, कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे, उनसे भी कोशिश करेंगे कि मंदिर की मान्यताओं के बारे में कुछ पूछने, वो कब से आ रही हैं, कब से नहीं आ रही हैं, क्योंकि आप शादी नौरा चल रहा है, यहाँ पे लोगों की भीड़ देख सकते हैं और यहाँ पे आपको जितने भी चुनरी दिख रही होगी ये सभी महिलाओं द्वारा या फिर जो भी पुरुष या युवाओं द्वारा बांधा गया है। कुछ मन्नत मांग के लोगों का ये आस्था है कि लोगों से कुछ माता जी से कुछ मांगते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि वो पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे लोग यहाँ पे आते हैं और आप देखें यहाँ पे नारियल फोड़ा जा रहा है। यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ महिलाओं से कोशिश करेंगे कि बात करें और आपको और भी तस्वीरें दिखाएं। कहाँ से आंटी जी, क्या नाम पड़ेगा? सीता पांडे। कहाँ से आ रही? गोरखपुर से। गोरखपुर से आ रही है। अच्छा, नवरात्र में आती हैं दर्शन करने या वैसे? नहीं, हमेशा ऐसे ही भीड़ रहती है। माता जी की मान्यता है यहाँ पे? जी, मानती हैं माता जी को? बहुत मानते हैं, बहुत इनका है, मन्नतें पूरी करती हैं। जी हाँ, करती हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे महिला थी जिनसे हम बात की, यहाँ पे श्रद्धालु, यहाँ पे तमाम लोग आए हैं और यहाँ पे देखिए ये मंदिर, जब आप आएंगे चाहे वो किसी भी मंदिर की बात करें तो बाबा लोग ऐसे भी दिखते हैं जो आपको मुलाकात होती है और बाबा जी आप रक्षा वक्षा बांधते हैं, माता जी से अपील करते हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं वो भला करें, देश विकास करें, लोगों का जो है जो भी मन्नतें मांग रहे हो उनकी मुरादों को पूरा करें। तो क्या नाम पड़ेगा आपका? नागेश्वर नाथ पांडे मेरा नाम है। तो माँ बुढ़िया का मंदिर है, यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं तो माता जी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। हाँ, बहुत शक्ति पीठ है। अच्छा, ये प्राचीन मंदिर है? ये प्राचीन, और तालाब के उस पार वो भी, दोनों एक ही साथ का मंदिर है जी। और दोनों मंदिर एक ही है माता जी का, बस आदमी मान लीजिए आस्था है, वहाँ भी लोग दर्शन करते हैं, यहाँ भी लोग। अच्छा, तो बाबा मान लीजिए आप यहाँ पे, क्या नाम पड़ेगा आपका? नागेश्वर पांडे। तो नागेश्वर जी, हम ये कह रहे हैं मंदिर के अंदर हमें महंत जी मिले कृष्णा निषाद जी, उनकी उनकी जो पीढ़ी थी वही अभी तक चली आ रही है, वही लोग मान रहे हैं मंदिर का। बाकी आप लोग यहाँ पे किस तरीके से लोगों की सेवा करते हैं? लोगों की सेवा करते हैं, लाइन लगवाते हैं, दर्शन पूजा करवा देते हैं, रक्षा टीका बांध देते हैं, गाड़ी घोड़ा का पूजन करवा देते हैं, कथा वार्ता बांध देते हैं, माता जी के वहाँ जो भी मन्नत लोग मानते हैं पूरा होता है तो लोग यहाँ आते हैं। बाकी दक्षिणा के रूप में जो अपना श्रद्धालु दे दे, श्रद्धालु खुशी से दे देता है, वही हम लोगों का दक्षिणा है। बाकी ये नहीं कि हम आपको रक्षा बांधे हैं, कोई मांग 50 रुपया डालिए, कोई मांग नहीं है। जो भी अंदर चढ़ाना है जो भी मन से चढ़ाइए, बाहर चढ़ाना है जो भी आपका श्रद्धा से चढ़ाइए, कोई डिमांड नहीं है। अच्छा, जैसे कैसे बांधते हैं थोड़ा सा हम एक बार, और कुछ पढ़ के बांधते हैं, मंत्र पढ़ के बांधते हैं, माता जी कृपा कर दे हैं जी, दक्षिण मुड़ने। अच्छा, दक्षिण मुड़ जा रहे हैं। चलिए यहाँ से करो, देखिए ये दिखा रहे हैं हम आपको इसलिए कि नागेश्वर जी हैं और ये रक्षा हाथ में बांध रहे हैं मंडल मंद्राल में रक्षक तपासन में पुत्रान रक्षण महालक्ष्मी भार्या रक्षत भैरवी पंतान सुतान करी तथा राज द्वारे महालक्ष्मी ब्रजा प्रवत्ताम पुष्टम जयंते देवी पाप नाशनी चराचर ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा स्वाधात्री स्वाहा सुधा नमोस्तु। देखिए यहाँ नागेश्वर जी से मंत्र पढ़ के हमको जो है रक्षा सूत्र बांधे हैं और ये अपील नहीं, अभी दर्शन करना है बाबा जी, दर्शन करना है, कर ले। और बाकी बाबा जी से हम इसलिए बंधवा रहे थे ताकि आप भी सुन सकें कि यहाँ पे जब आप आते हैं दर्शन करने को तो आपसे बाबा जी लोग की मुलाकात होगी, नागेश्वर जी भी यहीं रहते हैं, मुलाकात कर लीजिएगा, मंत्र के साथ ही आपको रक्षा सूत्र बांधेंगे और जबरदस्ती नहीं करेंगे कि आप पैसा दीजिए, जो आपको इच्छा अनुसार हो आप जेब में डालिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद है कि श्रद्धालु आएंगे, तो श्रद्धालु आएंगे तो कहीं ना कहीं इन लोगों का भी जो है दिन चलेगा। बाकी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, अभी हम नाव के उस पार भी कोशिश करेंगे कि जो नवीन मंदिर है यानी तालाब के उस पार वहां भी जाएं और हम आपको वहां की भी तस्वीरें दिखाएं। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर। धन्यवाद।